अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे फोड़े वाला चेहरा भाई भाई 24 जून 2024 पता कुछ रहा परुकी मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे उससे बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम जले बेटे खा ले मेरा नाचा को ओ तो इसने सीधे मौत से पूछा एमसी स्टैंड के बारे में उन्होंने बोला हैवी एमसी स्टैंड मैं कह रहा पॉइंट्स कहां है जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसका रिवर्टल्स कहां है वो काउंटर्स कहां है ओके तो लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय चैनल टीडीएक्सीआर जहाँ के भाइयों डेली रिएक्शन की वीडियोस तो मेरे भाइयों हम कवर कर रहे थे बीफ सीधे मौत और एसओएस का जो पहले के दो गाने ना सुने हो रिएक्शन ना देखो हो तो देख लेना मेरे भाइयों ठीक है अब पहला सबसे पहला गाना आया था एसओएस की तरफ से ठीक है जिसका नाम था शट डाउन उसके बाद भाई सीधे मौत के दो गाने बैक टू बैक आए थे जिसमें एक में फाड़ी और दूसरे वाले में तो भाई बहुत गंदे एलिगेशंस लगा दिए थे एसओएस के ऊपर कि भाई वो आतंकवादी पत्थर फेंकते हैं वो चीज़ थोड़ी गलत लगी थी कि वो पत्थर फेंकते आतंकवादी हैं और लड़कियों का पता नहीं वो गलत गलत वो करते हैं वोड़ वोड़ खींचते हैं लीक वीक करते हैं तो ऐसे बड़े बड़े मतलब ये बहुत बड़े एलिगेशंस होते हैं भाई छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है एसओएस का जो मैंने पहला गाना सुना था तो मुझे सही लगा था बढ़िया लगा था हार्ड है बंदों में दम है बट सीधे मौत के डिस्ट्रैक्ट के आगे मुझे कुछ नहीं लगा बी ऑनेस्ट विद यू भाई ऐसा नहीं कि मैं सीधे मौत को पहले से सुनते आया हूँ बट नहीं मुझे वो डिस्ट्रैक्ट लगा बहुत तगड़ा था फाड़ के रख दी थी भाई ठीक है अब इसके बाद ये आए हैं अपने दूसरे गाना एसओएस गाने का नाम है भाई रस्मे चहरुम भाई ये क्या है मुझे बताना मुझे नहीं पता रस्मे चहरुम क्या होता है ठीक है चलो भाई चलते हैं रिएक्ट करते हैं इस वीडियो के ऊपर देखते हैं इस गाने का सीन क्या है नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पे पाकिस्तान इंडिया सारी बीफ हम कवर करते हैं प्लस डेली रिएक्शन वीडियोस पे आती है लेट्स गो लेट्स रिएक्ट टू दिस सॉन्ग देखते हैं भाई इस गाने का सीन क्या है एसओएस क्या लाया आपकी बारी लेट्स गो कवर खोदी जा रही है इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है शिट तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है शिट भाई ये कैसा भाई बिल्कुल चनके वाला याद आ गया मुझे चनके इस टाइप के गाने बनाता है लग रहा है शिट तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है शिट ये नशा इनको कहां ले रहा है शिट खुद ही कब्र ये खुद ही उतर रहा है शिट ससे भागने की क्यों ये कर रहा है जिद मोहब्बत और ईगो है अरसी बड़ी पिच पुरानी मर्से डाल के ये कर रहे डिस फैन बेस इनकी आदी हो रखी है बेस कोई 24 जून 2024 मेरी दो नाफलक औलादें ये दुनिया नकल कर गई और आज आप सबको मेरी तरफ से रस्मे चहरुम की दावत बंदे यार काम तो क्वालिटी वाला करते हैं भाई SOS SOS तेरा है ट्रॉमा SOS तेरी एंजाइटी SOS तेरा है कार्मा SOS तेरा ऑलमाइटी मैं सुना तू सोया नहीं चैन से दिखा तू फैल तुझे दाएं फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं फिर जोटे खत्म होके ताड़े तू छत ख्यालों ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है पढ़ा नहीं कौन दर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को हस्कस मिला मुझे फैन बॉय ब्रो बस को भी बोले मुझे नूट दे दो ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो हर मौजू कह माने दो दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन गाड़ियों से लिया गया नया घर मुद्दे कई बस लॉजिक को अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे फोड़े वाला चेहरा भाई भाई या गया नया घर मुद्दे कई बस लॉजिक को अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझमें कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो फिर बात हुई बात तुम्हें उठी बात है कुछ रहा पर रुकी मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे उससे बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम जले बेटे खा ले मेरा नाचा को ओ तो इसने सीधे मौत से पूछा एमसी स्टैंड के बारे में उन्होंने बोला हैवी एमसी स्टैंड ओके यार एक चीज़ ना मुझे थोड़ी वैसी लगती है ना मतलब देखो यार ठीक है उस जो मैंने सीधे मौत का लास्ट गाना सुना था ना उसमें म्यूज़िक इतना ज़्यादा नहीं भरा पड़ा था मतलब चीज़ें समझ आ रही थी भाई फ्लो इतना तगड़ा दे रहे हैं लोग तो मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है यार ऐसे में ना भाई ठीक है कोई नहीं दोबारा से करते हैं दो ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो हर मौजू कह माने दो दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन गाड़ियों से लिया गया नया घर मुद्दे कई बस लॉजिक को अरे अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास बोला तुझमें कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो फिर बात हुई बात मैं उठी बात है कुछ रहा पर रुकी मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे उससे बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम जले बेटे खा ले मेरा नाचा को
पेड़ को ले और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी है भड़े से बॉन्साई पेड़ पे लगा के उतारू तेरी मैं चर्बी सीधे मौत अगले साल दस होंगे भरती इधर फड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के डर की। ओ ये सेम एलिगेशन लगा रहा स्क्रीनशॉट तुम लड़कियों के लेते हो थर की। ठीक है भाई ये सेम एलिगेशन लगाई है प्लस ये कह रहा नैनीताल को मैं वो कर दूंगा मतलब वो कर दूंगा खराब और तू श्रीनगर आ जा तेरे को मैं बताऊंगा। इधर फाड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती श्रीनगर आ जा तेरी इधर फाड़ू नैनीताल। अरे बाप रे बाप स्टेट स्टेट की लड़ाई हो रही है क्या भाई। अब निकालू मैं गर्मी स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के डर की। तुमसे 100 कदम आगे है क्या मो क्या होते पत्थरबाज पत्थरबाज मैं अभी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़ और ये नहीं यार वो पॉइंट थोड़ा गलत था पत्थरबाज पत्थरबाज ठीक है लड़की लड़की मत कर। इंडिया देखो यार कहाँ से भी हो तुम कश्मीर से हो श्रीनगर से हो ठीक है। मैं देखा श्रीनगर गया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है श्रीनगर भाई। मैं गया था मैं ट्रिप पे गया था और वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। वहाँ मैं डल लेक गया हूँ गुलमर्ग गया हूँ बहुत जगह गया हूँ मुझे लोग अच्छे लगे वहाँ की वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी भाई ठीक है। प्लस यार देखो इंडिया अपना यार चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो केरला हो चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो भाई भारत है यार अलग अलग रिलीजन है अलग अलग चीज़ें हैं तो अच्छी है भारत को अलग बनाती है और लोगों से यार और देशों से। पत्थरबाज पत्थरबाज मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़ और ये लड़की लड़की मत कर पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने निर्भया याद है ना नैरेटिव सही चल रहा है वैसे इस बारी बचने नहीं वाले झूठ बोलते रहो सच छुपता नहीं है तेरा निर्भया याद है ना ये किसी केस की बात कर रहा है क्या दिल्ली के नैरेटिव सही चल रहा है वैसे बैटल देखा है तेरा मैंने निर्भया याद है ना नैरेटिव सही चल रहा है वैसे इस बारी बचने नहीं वाले झूठ बोलते रहो सच छुपता नहीं है तेरा भाई 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 तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या आजादी खुद ही स्कैम थी काला जो आता है पार से केस में खोलूं तो खैर नहीं सभी ये दो दो मुंह दिख गए ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी तो दुगला है अभी जे तल्ले तो बातें ना करना है शहर की सुना तो आया था शहर में रहते पड़े थे तुझे एक काली पे आ बुरा लगा मिलने को मिलती नहीं तुम्हें अब तारीफें खा गए तुम्हें हम पहली ही बारी में याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें फटेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तू फैल की गाड़ी में फिरंगी लूट के सोना ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना तो काम और कद से पोना है तभी तो तुझसे वो पलती नहीं सोना मिलेगा तो कारबारी तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना और टटे वो कैंग में तेरी जो पलते है तनखा बेचाते दबोना या एबीजे काला को देना सलाम क्या ना की दावत दे रार सलान ठहरोगे मेरे आलीशान मकान करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान भजन भी बजते है उदी अजान नफरत की गोली है तूने दुकान हम मिलजुल के रहते हैं शहर की शान तो बढ़वे तू चुप रहे मरा ले कांड फकिंग का डार्क ह्यूमर मेरे शहर की बातें कर पाँव छू कर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लौड़े दिख तेरी बंदी जो कगी मेरे में मेरे बट किया मेरे कुछ नहीं तेरी ही गांड में कब से है गुजली तुझे भी पता तेरी मुझे सह चुदनी तो फैल तेरी नाज में चुबती सुई दुखती नस तेरी फिर सह दबरी पता मुझे कहाँ पे तेरे है कबरी ऐसा फड़ू मैंने तुझे सिले का कोई दर्जी। मुझे पता है तू 2 दिन से सोया नहीं है आज आराम कर ले सो जा क्योंकि अब मैं तेरी नींदें छीनने वाला हूँ। तुम 3 हो लेकिन बुरा बहुत लोगों के साथ करा है। तीन कौन है भाई सीधे वहां तो 2 लोग है ना बताना जरूर। इस बार हम सब एक है और तू तो मेरा खास है तेरे को कैसे निराश कर सकता हूँ। मैं सबूत के साथ मिलता हूँ तुमको मिलते अगले गाने में आदाब। ओके 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 वही मैं कह रहा पॉइंट्स कहाँ है जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसका रिवर्टल्स कहाँ है वो काउंटर्स कहाँ है वही मैं वेट कर रहा था तो अगले गाने में आएगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है ये गाने बस बताया गया है कि भाई हम तुम्हारी फाड़ने वाले हैं किस तरह की वार्निंग दी गई है वो ही मैं देख रहा गाने के पॉइंट्स वो उस लेवल के तो थे ही नहीं ना जैसे सीधे मौत के थे भाई दोनों गानों में फाड़ी उन बंदों ने भाई। हाँ दूसरे गाने में एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लग गए लंबे लगाए थे मतलब ख़तरनाक एलिगेशंस थे उसका काउंटर आप शायद नेक्स्ट गाने में ये लोग कुछ प्रॉपर प्रिपेयर करके आएंगे दोबारा से अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं प्लस जो ये कह रहे हैं कि सीधे मौत के बारे में ये लोग बहुत गलत चीज़ें जानते हैं तो वो भी लोग एक्सपोज करेंगे देखते हैं भाई नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर। तो ठीक है गाना अच्छा था बढ़िया था बट उस लेवल का भाई देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बुरा मत मानना ठीक है। SOS फैंस SOS सही बंदे हैं हार्ड बंदे हैं मुझे सही लगते हैं बट सीधे मौत का जो डिस्ट्रैक्ट थे दोनों वो फाड़ दे भाई बी ऑनेस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है चलो भाई बने रहना इस पूरी बीफ को हम कवर करने वाले हैं तो अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पे आते हुए डेली रिएक्शन की वीडियोस चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो हाँ है तला यूनिस का वीडियो आ गई नहीं पता है मुझे आ रहा है वो भी आ रहा है। ठीक है चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक ले जी डी सबको प्यार मेरे भाई हो पीस आउट।